eyes and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं द इंडियन बायर चैनल। और ये रहा वो प्रोडक्ट जिसकी हमने शुरू में आपको दिखाया, ये था स्मार्ट हेलमेट लाइट सिस्टम वर्जन 1.0। एंड ये आपके हेलमेट के पीछे इंस्टॉल हो जाता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक डिवाइस है जो कि आपके हेलमेट के पीछे इंस्टॉल होता है, पूरा हेलमेट आपको इसके लिए परचेज़ नहीं करना पड़ेगा इस लाइट सिस्टम के लिए। तो ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्मार्ट हेलमेट लाइट सिस्टम लिखा हुआ है, कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ऊपर आपको यहाँ देख सकते हैं थॉर लिखा हुआ है चाइनीज़ में, अगेन ऊपर भी सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो एक बार मैं इसको फोकस कर देता हूँ। सो या फोकस हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं। साइड में भी सेम वही चीज़ है, मतलब कुछ भी ऐसा दिया नहीं है। पीछे की साइड भी आप देखेंगे तो पूरा चाइनीज़ में भरा पड़ा है, जो कि आपके मतलब समझ के परे होगी चीज़ें, कुछ समझ नहीं आने वाला क्या करना है, किस तरह से काम करता है। बस एक पिक्चर दिया हुआ है जिसकी मदद से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि आपके हेलमेट के पीछे ये चलता है। एंड मैं इसको खोल देता हूँ फटाफट। तो ये देख सकते हैं स्टायर फॉर्म के बॉक्स में आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा वो डिवाइस। एंड आप देख सकते हैं कि ये पीछे आपको एक ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कुछ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। तो ये पूरा आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, पैरामीटर, यूज़र मैनुअल, बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप इसको देख सकते हैं अगर आप इंस्टॉलेशन खुद से करने वाले हैं तो। यहाँ पे आपको RF कंट्रोलर किस तरह से कनेक्शन करने हैं, केबल का वो सब दिया हुआ है। तो बेसिकली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लोकल मैकेनिक के पास जाइए, उनको बोल दीजिए कि इस तरह से इंस्टॉल करना है, तो बाकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वो कर देंगे जो आपके बाइक के अंदर होने वाला है। इसके अलावा हमको यहाँ पे दो ये मिलते हैं वेलक्रो स्ट्रिप्स। तो ये ऑलरेडी देखो इस तरह से लगा हुआ है, एंड बस सिंपली ये वाइट वाला पोर्शन जो है ना वो निकालना है और हेलमेट पे लगा देना है। तो ये काफ़ी आसानी से चिपक जाता है हेलमेट पे। तो ये दो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि आप इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सेकेंडरी एक हेलमेट पे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे RF कंट्रोलर मिलता है। तो ये है RF कंट्रोलर जो मेन मॉड्यूल है इसका। ये जो कपलर दिया हुआ है ये कनेक्ट करना होता है, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द बाइक्स में ये कपलर होता नहीं है, तो मैं यहाँ से कट करूँगा एंड कट करके इसको कनेक्शंस करूँगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इतना छोटा सा ये डिवाइस, मतलब मॉड्यूल जो इसका दिया हुआ है। तो ये RF कंट्रोलर है। एंड मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार फोकस करके। तो देख सकते हो आप यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसमीटर एंड वायर कनेक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग कलर कोड के हिसाब से। पेयरिंग बटन दिया हुआ है ये ब्लैक वाला। और बस यही एक छोटा सा डिवाइस है जो कि आपको बाइक में इंस्टॉल करवाना होता है। तो कलर कोडेड है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से हो जाता है। एंड क्या प्रोसेस है, किस तरह से होना है, ये आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ये एक चार्जिंग केबल। तो ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं ये डिवाइस चार्ज होता है। एंड यहाँ पे इंटरनल बैटरी दी हुई है जो कि आपको इस माइक्रो USB पोर्ट से चार्ज करना होता है। तो इसकी चार्जिंग दिया हुआ है यहाँ पे केबल। एंड फर्स्ट टाइम में आपको लगभग 2 से 4 घंटा आपको इसको चार्ज करना होता है फुली, देन ओनली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पे ये पावर बटन दिया हुआ है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड तक। एंड यहाँ पे देखो लाइट जली एंड ये ऑन हो चुका है। अब ये फिलहाल तो डे मोड पे है तो ये ऑल टाइम ऑन रहेगा रेड कलर का। सिंगल प्रेस करने पे यहाँ पे ये डे मोड पे चला जाता है, एंड डबल प्रेस करने पे जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये फ्लैश मोड पे आ गया, यानी हजार्ड फ्लैशर की तरह ये वर्क करेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। एंड बट अगर आपको यूज़ करना है इसके सारे फीचर्स तो ये RF मॉड्यूल इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है आपके बाइक में। हेलमेट इंडिकेटर की बात करूं तो यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी 1100 mAh की मिलती है, जो कि आसानी से 7 से 8 घंटा आपको लाइट अप आउटपुट दे देता है। मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पे ABS प्लास्टिक का यूज़ किया है। सिग्नल ट्रांसमिशन लगभग 1.5 मीटर तक है। इसके साथ साथ ये डिवाइस IP67 वाटर रेजिस्टेंस एंड स्प्लैश प्रूफ है। एंड यहाँ पे काफ़ी एडजस्टेबल है, तो ये आप किसी और दूसरे हेलमेट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलमेट की साइज़ यहाँ पे मैटर नहीं करता है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेलमेट नहीं है, आप किसी भी एग्जिस्टिंग आपका जो भी हेलमेट है उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बस इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखते हैं इस वीडियो में आगे। तो ये देखिए वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इसको फॉलो करते हुए बिल्कुल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलैम्प खोल लेते हैं हम अपना, गाड़ी का जो हेडलाइट है, क्योंकि ये मैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडलैम्प इसका खोल दिया है,
खोलने के बाद देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का कपड़ा ढूंढना है, यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लैक कलर का एक वायर है, एंड बिल्कुल उसके ऑपोजिट में आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट वाला है। तो देखिए, अब इसमें मैं जो सबसे लेफ्ट वाला है ना, उसमें लगा दूंगा ये ब्लू वाला वायर। तो इसको आपको कनेक्ट करना है, थोड़ा लंबा छील लीजिएगा ताकि आप इसको आराम से इसको लगा पाएँ। एंड दूसरी साइड आप देखेंगे ऑपोजिट साइड पे मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला लगा रहा हूँ। तो दोनों लगा के और यहाँ पे कपलर इसको बंद कर देना है। एंड एक बार ये हो जाने के बाद ना बिल्कुल फिक्स हो जाती है, वायर आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, और यहाँ पे आपको कोई वायर की कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, बस आपको यहाँ पे कनेक्शंस ध्यान से करना है। एंड अब जो वायर चाहिए हमको ना, वो है यहाँ ग्रीन कपलर में, जो ये वायर देख रहे हैं ना, इसमें रेड एंड वाइट वाले में रेड वाला कनेक्ट होता है। तो अब इसको मैं कपलर को खोल देता हूँ। देखिए, अब इस कपलर को खोलने के बाद यहाँ पे आपको रेड एंड वाइट में ध्यान से, ये जो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे आपको ध्यान से रेड एंड वाइट वाले में करना है, ग्रीन वाले में गलती से भी मत कर दीजिएगा। रेड एंड वाइट में आपको ये रेड वाला वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये इसके यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एंड ये काफ़ी सिंपल सा था, छोटा है क्योंकि, एंड तो यहाँ पे बस इसको लगा देना है। एंड मैंने इसको लगा दिया है आसानी से। अब थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है कि वायर ये खिंच रहा है यहाँ पे, तो मैं ये जो इसके ऊपर ब्लैक कलर का ये वायर कवर लगा हुआ है ना, इसको निकाल के थोड़ा मतलब कट कर दूंगा ताकि आसानी हो, वायर इतना खींचे नहीं। तो ये मैंने छोटा कर दिया इसको थोड़ा। एंड अब लास्ट जो बचता है ना, वो ये नेगेटिव वाला है, इंडिकेटर के हो गए, ब्रेक के हो गए, ब्रेक वाला हमने रेड वाला लगाया, वो ब्रेक का था। एंड अब ये जो है ना, आपको एक नेगेटिव टर्मिनल चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। तो आप हेडलैम्प में देखेंगे ना, जो पायलट लाइट होती है उसमें एक ब्लैक कलर का वायर होता है, तो ब्लैक वाले में मैंने ये ग्रीन वाला वो कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हो गए हमारे, इस तरफ हमारे हो गए ब्रेक लाइट जो कि रेड वायर है, एंड यहाँ पे ग्रीन वायर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पायलट लाइट पे कनेक्ट है ब्लैक वाले वायर के साथ। एंड बस कनेक्शंस हो गए हैं पूरे, बस इतनी सी काम थी। अगर आप थोड़ी सी भी झिझक होती है आपको इसको खुद से करने के लिए ना, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रोफेशनल मैकेनिक के पास जाएं और कर दीजिए, क्योंकि हो सकते हैं आपकी बाइक में ये वायरिंग की जो है ना, वायर्स जहाँ पे भी मिलते हैं, हो सकता है आपके सीट के नीचे हो, क्योंकि रॉयल इनफील्ड में तो आपको हेडलैम्प में सब कुछ मिल जाता है, बट आपकी बाइक के अकॉर्डिंगली आपका वायर कनेक्शन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप प्रोफेशनल मैकेनिक के पास जाइए। अब देखिए, ये जो चल रहा है, तो अब मैंने राइट इंडिकेटर किया तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा। थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा क्योंकि ये अब ये पीछे की तरफ लगने वाला है आपके हेलमेट पे, इसीलिए आपको ये अपोजिट लग रहा होगा, मतलब लेफ्ट जा रहा है तो यहाँ पे राइट हो रहा है। बेसिकली क्या है, ये अभी उल्टा होगा, उल्टा होके लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा ये आपको कन्फ्यूजन दे रहा होगा, बट ये इस तरह से लगने वाला है आपके हेलमेट के पीछे। एंड अब मैं इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ, तो देखिए सेम डायरेक्शन में हो रहा है। एंड यहाँ पे भी आप जब मैं ये वाला करूँगा तो इस साइड का डिस्क दिखेगा। ब्रेकिंग में यहाँ पे मैंने क्या ना, वायर सिर्फ हैंड ब्रेक पे नहीं किया, मैंने लेग ब्रेक पे किया है, तो ये दोनों वायर, चाहे आप हैंड ब्रेक दबाओ या लेग ब्रेक प्रेस करो, दोनों पे ये वर्क करने वाला है। तो ये देखिए, इंडिकेटर पे तो काफ़ी ईजिली वर्क कर रहा है, एंड ये ब्रेक वाला है, तो जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं ना, तो इंडिकेशन वाला मतलब इंडिकेटर जो टर्न इंडिकेटर होता है ना, उसको ओवरराइड कर देता है। तो सिर्फ जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे टर्न पे भी, तो वो ब्रेक वाला सिंबल शो करेगा, यानी दोनों लाइट, दोनों तरफ की लाइट चलती है। देखो, अभी मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ से जल रहा है, यानी ये ब्रेक वाला इंडिकेशन दे रहा है। तो हाईवे पे यार ये चीज़ काफ़ी सेफ रहती है, मतलब आप टर्न ले रहे हो और विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, फॉग वॉग का जैसा मौसम होता है, और मॉर्निंग टाइम खासकर ऐसा होता है, मिड नाइट पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, एंड यहाँ पे आपकी लाइट्स जो बाइक की होती है बस वही सहारा होता है। पीछे की तरफ बाइक में यार ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब आगे की तरफ आप फॉग लैम्प्स वगैरह लगा लेते हो तो काफ़ी विजिबिलिटी मिल जाती है, मगर आप इस डिवाइस की मदद से आप अपनी बैक साइड को भी काफ़ी अच्छी तरह से विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये मेरा हेलमेट है वेगा का, एंड इस पर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये हेलमेट इंडिकेटर। एंड अब इसके ऊपर इंस्टॉल करने से पहले आप अपना पोजिशन देख लो, आप रफली देख लो कहाँ पर भी इंस्टॉल होगा ये, तो हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड इसके बाद आप ये स्टिकर्स निकाल सकते हो, स्टिकर यहाँ पे इसको क्लिक ग्लू से ये स्टिक हो जाएगा। एंड इस तरह से ग्लू पे स्टिक होने के बाद ये आपको खोलने के बाद ये वेलक्रो निकल जाता है, एंड इसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो, निकाल के चार्ज भी कर सकते हो, और चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, एक डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा आपके हेलमेट पे। तो ये मैंने ऑन कर दिया है, अभी देखो राइट इंडिकेटर है तो ये इंडिकेटर शो कर रहा है, एंड ये लेफ्ट इंडिकेटर है, तो दोनों तरफ का ये आपको दिखा रहा है। तो जिस भी तरह का डायरेक्शन में आप इंडिकेटर
टर्न सिग्नल डालोगे उस पे ही आपको हेलमेट पे दिखाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अभी दो मोड हैं, डे मोड एंड नाइट मोड। एंड ये थर्ड मोड है जिसको हैजार्ड फ्लैशर, मैंने पहले भी बताया था ये हैजार्ड फ्लैशर मोड है, तो ये ब्लिंक करता रहता है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये ब्रेक मोड पे है तो मैं लेग ब्रेक दबा रहा हूँ और यहाँ पे ये ब्रेक सिंबल आपको दिखा रहा है हेलमेट के ऊपर, तो काफ़ी एक अच्छा आपको एक विजिबिलिटी दे देता है आपके पीछे आने वाली गाड़ियों को। एंड यहाँ पर टर्न सिग्नल पर भी आपको ये राइट का सिग्नल दिखा रहा है अभी, तो जैसा सिग्नल होगा उस तरह से ये दिखाएगा। अभी लेफ्ट पे दिखा रहा है तो जो आप इंडिकेटर दोगे वो दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी एक स्टाइल भी कह सकते हो, आपको एक आपके हेलमेट को एक नया स्टाइल दे देता है। तो ज़रूर आपसे लोग पूछेंगे कि कहाँ से लिया, ये किस तरह का डिवाइस है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आप ज़रूर इसको परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बैंगवुड पे मिलेगा ये, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। एंड इसकी प्राइस 2000 से लेके 4000 तक कहीं पे भी वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सेल गोइंग ऑन दी बैंगवुड। तो अलग अलग सेल के टाइम इसकी प्राइस वेरी होती है। एंड बहुत सारे सेलर भी हैं तो मैं आपको मल्टीपल लिंक्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड इस तरह से आप ये देख सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन मैंने करके दिखा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले ऐसे मज़ेदार DIY प्रोजेक्ट्स एंड ये ऐसे गैजेट्स वगैरह मैं लेके आता रहूँ आपके लिए। एंड सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। And I'll see you guys in the next video. Tab tak liye, keep watching my videos, keep loving and keep supporting me.